कल जितने आप अपनी कल क्लास फिनिश करी सी कि उत्थों हुण आपां स्टार्ट करांगे ठीक है। जे कोई किसी का नवा डाउट भी होया तो वो भी आपां करांगे ठीक है। एक घंटे की आपां क्लास लाउणी है ठीक है, डाउट सैशन की, दैन अगली जानकारी फिर मैं उस तो बाद दिना ठीक है। ओके कल आपां थोड़ा जिहा रिवाइज कर लीए। कल आपां की करिया सीगा, कल आपां सीख्या सीगा हैड हैव दा यूज सीख्या सीगा ठीक है। हैड हैव दा, हैज हैव दा, हैड हैड दा ते हैड हैव हैड दा ठीक है। हाँ जी महक, बोलो महक की कहना है। सर तुसी पीडीएफ सेंड करोगे? हाँ पीडीएफ बाद च भेजांगा ना कंप्लीट होने तो बाद। ओके हाँ जी जिहड़ी पीडीएफ देखो मैं नहीं देनी होंदी वो मैं शुरू च ही कह दिंदा हुंदा ठीक है। जिहड़ी पीडीएफ देनी है उहदे बारे मैं नहीं कहिंदा हुंदा ठीक है। जिहड़ी इंस्टेंट बना रहा हुंदा वो मैं दे दिंदा हुंदा ठीक है। जिहड़ियां पहलां दीआं बणीआं होईआं हुंदीआं ने उहनां तों पढ़ाउणा वो नहीं दिंदा, वो कुछ खास हुंदीआं ने ठीक है। तां वो मैं तुहानूं दस दिंदा हुंदा, नोट्स बनाओ जां ना बनाओ। बाकी वैसे ना एक गल वधिया ये होंगी कि जिहड़ा बच्चा नोट्स बना लैंदा ना वो आपदे हथ नाल बणाउंदा है ठीक है। नाले तां क्लास दे टाइम बिजी रहिंदा है, कोई व्हाट्सएप ते नोटिफिकेशन आऊगी उहनूं डिस्टर्ब भी नहीं करेगी। इवन वो नोटिफिकेशन खोलन की बजाय नोटिफिकेशन को परा कर दूगा भी तू एक बार परा हो, मेरी क्लास चलती है, मेरी लाइफ का लैसन चलता है, जिन्हें मैंने बाहर लेके जाना है, जो मेरा ड्रीम है ठीक है। नोट्स बना लिया करो तो वधिया गल है ठीक है। आपके हाथों में बनाए समझ ज्यादा आते हैं ठीक है। आपा हैड हैव करिया सीगा, आइदर और वेदर और करिया सीगा, जेरंड पार्टिसिपल ते जेरंड करिया सीगा, कंडीशनल सेंटेंस किवें बनते हैं वो करिया सीगा, एग्जाम्पल ते हाउएवर चलते सेंटेंस दे विच एग्जाम्पल नूं किवें देना हुंदा है, हाउएवर नूं चलते सेंटेंस दे विच किवें यूज करना हुंदा है, किन्नी तरह के सेंटेंस जिहड़े ने जरूरी ने टास्क 2 दे विच आपां करे सी 10 11 तरह दे, प्रेपोजिशन ऑन ऑफ फोर इन्हां दा की मीनिंग है, फॉर्मल इनफॉर्मल दे बारे इनवर्जन करिया सीगा, प्रायर टू द यूज करिया सीगा ठीक है। अज गल आ गई विद द व्यू ऑफ, विद द व्यू ऑफ जिहड़ा हैगा इहदा की मतलब है ते इहनूं किवें यूज करदे आ ठीक है। तां सिखो इहनूं विद द व्यू ऑफ दा पंजाबी दे विच मीनिंग समझो। इहदा मीनिंग हुंदा है कि ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿਦ ਦੀ ਵਿਊ ਆਫ ਆ ਜੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਦੀ ਵਿਊ ਟੂ ਆ ਜੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਆਈ ਐਮ preparing for IELTS with the view of going abroad. टू तो बाद भी आई जी। हाँ जी वो मैं करा देना ठीक है। हम देखो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स विद द व्यू ऑफ गोइंग अब्रॉड, ये जो अपना विच एक कह लो फ्रेज लग्या आ, इहदा मतलब दे उद्देश नाल, मतलब कि मैं आइल्स प्रिपेयर कर रहा हाँ जां कर रही हाँ बाहर जाण दे उद्देश नाल ठीक है। इसे सेंटेंस नूं इदां बना सकदे हो तुसीं, जो हम बाद रेगुलर क्लास मेरिया जो मैं लाइव लिखता हूं देखोगे ना तो वो थोड़ा फिर पता लगेगा अच्छा इस तरीके यूज होंगे। देखो एक दो दिन कुछ नहीं होंगे, होंगे महीना डेढ़ महीना लगता है प्रॉपर राइटिंग आने ठीक है। तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आयल्स विद द व्यू टू गोइंग अब्रॉड, हुण इह की है एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया थोड़ा ठीक है। एग्जामिनर इन चीजा लभदा फिरदा हों भी जवाक अलग चीज की दे रहा मैं ठीक है। ਹੋਰ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਰਕ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰ ਆਇਲਸ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੋਇੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਰਕ ਦੱਸਦਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰ ਆਇਲਸ ਟੂ ਗੋ ਅਬਰਾਡ, ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। एक हो गया आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स टू गो अब्रॉड, ये बहुत बच्चों ने बनाना है। फॉर एग्जाम्पल तुम कोई सेंटेंस बना रहे हो मेन टास्क पेपर वाले दिन,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 50% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਸਾਰੇ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂਲ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਦ ਦੀ ਵਿਊ ਟੂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣੇ। ਵਿਦ ਦੀ ਵਿਊ ਟੂ ਜਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਵਿਊ ਆਫ ਦੋਵਾਂ ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਰਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲ ਉਹ ਰੂਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਲ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਪੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰ ਆਇਲਸ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਗੋ ਅਬਰੋਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਪੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰ ਆਇਲਸ ਵਿਦ ਦੀ ਵਿਊ ਟੂ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਦ ਦੀ ਵਿਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਗਾ ਵਿਦ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਊ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਵਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਵਿਊ ਟੂ ਗੋਇੰਗ ਅਬਰੋਡ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂ, ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ ਸਰ, ਵਿਦ ਦੀ ਵਿਊ ਟੂ ਤੇ ਵਿਦ ਦੀ ਵਿਊ ਆਫ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਆਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਵਿਊ ਆਫ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਆਲਦੋ ਡਿਸਪਾਈਟ ਵਾਈਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਰ, ਇਹ ਟਾਸਕ ਟੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਾਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਔਨ ਤੇ ਐਟ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਸਰ। ਓਕੇ ਚਲੋ, ਔਨ ਤੇ ਐਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਨ ਐਂਡ ਐਟ, ਦੇਖੋ ਔਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਐਮ ਔਨ ਦੀ ਰੂਫ, ਮੈਂ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਔਨ ਦੀ ਰੂਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੇ ਕਿਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਟ ਲੱਗਣਾ। ਐਟ ਦੇ ਕਈ ਰੂਲ ਨੇ, ਐਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਐਟ ਨਾਈਟ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਐਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਤੇ, ਬੱਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇਖੋ ਫੋਰਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਬਲ ਡੈਕਰ, ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨ, ਸੋਰੀ ਇਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਈ ਐਮ I am at a birthday party, ਮੈਂ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। I am at a birthday party, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ I will reach at night, night ਦੇ ਨਾਲ at, ਠੀਕ ਹੈ। Morning and ਈਵਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਦੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਈਵਨਿੰਗ ਤੇ ਐਟ ਨਾਈਟ, ਨਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਓਇੰਗ ਟੂ, ਓਇੰਗ ਟੂ ਡਿਊ ਟੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ।
कोई फिक्स एग्जांपल बारे भी दस दो, एदा प्रॉपर लेक्चर है वो करवा दा मैं, कोई गल फिक्स एग्जांपल दा, ठीक है। ओइंग टू दा मतलब होंदा जी दे करके, ठीक है। एक होंदा ओइंग टू, एक होंदा ओइंग टू विच, एक होंदा ड्यू टू, एक होंदा ड्यू टू विच। आ छोटियां छोटियां चीजां ने जिन्होंने अपनी राइटिंग नु ठीक करना, और परे भजन की लोड़ ही नहीं, ठीक है। हुण देखो फर्क की है, सारिआं दा मतलब यही है दे करके। जिवें तां हुण इहनूं आपां यूज करांगे रनिंग सेंटेंस दे विच, रनिंग, ठीक है। एनु भी आपां यूज करांगे रनिंग सेंटेंस दे विच, पर जिहड़े आ ने इन्हां नूं रनिंग च नहीं यूज करांगे। किवें इन्हां नूं यूज करांगे, मन के चलो कि आपां इत्थों ही सेंटेंस लै लैंदे आ, I am preparing for IELTS, comma, full stop, sorry. Due to this, मतलब इस दे करके, due to this, सुनीता की हो गया? Okay. Due to this, थोड़ा, a due to ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਲੱਗਿਆ ਦਿਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰ ਆਇਲਸ, ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਆਈ ਕੈਨ, ਓਪਨ ਦੀ ਪਾਥ ਆਫ ਗੋਇੰਗ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰਨਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਫੋਰ ਆਇਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ। ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਜਸਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਕੈਨ ਓਪਨ ਦੀ ਪਾਥ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਅਬਰਾਡ, ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਫੋਰ ਆਇਲਸ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੌਮਾ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਡਿਊ ਦੀ ਡੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਡਿਊ ਟੂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਨ ਓਪਨ ਦੀ ਪਾਥ ਆਫ, ਤਾਂ ਆ ਵਿੱਚ ਨੇ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ 90%, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਹੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਓਇੰਗ ਟੂ ਹੈ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਫੋਰ ਆਇਲਸ, ਓਇੰਗ ਟੂ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਫੋਰ ਆਇਲਸ, going to point to which I can open the path of going abroad. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਰ? ਵਿਦ ਦੀ ਵਿਊ ਵੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦ ਦੀ ਵਿਊ ਟੂ ਯੂਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਆਪੇ ਰਾਈਟ ਵਰਡ ਫੜ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਓਇੰਗ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ड्यू टू विच दे करके हिंदी में हम इसको बोलेंगे के लिए, ठीक है। तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आयल्स ड्यू टू विच आई कैन ओपन द पाथ ऑफ गोइंग अब्रॉड, ठीक है, बाहर जाने के लिए मैं रास्ता खोल सकता हूं, ठीक है। ओके, आई होप ए भी पार्ट क्लियर हो गया होना, अगे चलते हैं। ओके, एंड दे नाल कॉमा कदों लगता है, ते एंड दे नाल सेमी कॉलन नहीं पता कितने लगता है, एंड दे नाल सेमी कॉलन आपा लाना भी नहीं, ठीक है। एंड दे नाल कॉमा जरूर लगता है, कितने लगता, दो दो कारण होंगे जो कॉमा लगता, जिवें मैं कह दिता के अंकुश कंबोज likes cricket and Ram likes for example a sentence hai hun eh banda bhi alag hai inu cheez bhi alag pasand hai te jehda piche wala banda hai oh bhi banda alag hai ohnu cheez bhi alag pasand hai kul mila ke ki hai कि आ सब्जेक्ट है वर्ब की फॉर्म अपनी केड़ी जड़ी तीन तरह की होंगी लाइक लाइकिंग लाइक ठीक है तो वर्ब की फॉर्म भी अलग है ऑब्जेक्ट भी अलग है ठीक है हुण इत्थे कॉमा तो लगे क्योंकि पिछला भी पूरे का पूरा कंप्लीट सेंटेंस है उसके विच सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है ठीक है ऑब्जेक्ट भी है ठीक है तो जिहड़ा आ वाला सेंटेंस है ये भी पूरे का पूरा कंप्लीट है हुण इहदे विच कॉमा कदों नहीं लगना सी ध्यान नाल देखो अंकुश कंबोज लाइक्स क्रिकेट एंड फुटबॉल हुण इत्थे की है कि सब्जेक्ट एक है वर्ब भी एक है नाउन दो ने चीजा दो ने ठीक है ना जो चीजा पसंद कर रहा है इको बंदा वो चीजा दो ने इस करके इत्थे कॉमा नहीं लगना सी ठीक है हुण एंड दे नाल एक जगह होर है जदों कॉमा लगता है जे ये बंदा तीन चार तो ज्यादा चीजा पसंद कर रहा हो अंकुश कंबोज लाइक्स क्रिकेट वॉलीबॉल बैडमिंटन एंड फुटबॉल हुण इत्थे की है एक दो तीन चीजा इत्थे पहला आ गई तो चौथी चीजा इत्थे कॉमन ला दो बाकी ये कोई एडा बहुत वड्डा मैटर नहीं भी ये ला दोगे तो नौ बैंड आ जाएंगे ये रह भी गया तो कोई चक्कर नहीं है इहदे ते ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं ठीक है बाकी चीज सौखी है ठीक है चीज बहुत ईजी है ठीक है तो समझो जदों एंड तो पहला भी कंप्लीट सेंटेंस है यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ते ऑब्जेक्ट है तो एंड ने आपदे नाल कॉमा लेना है ठीक है जिवें हुण आपां कई बार की लिखते होंगे आई एग्री with this statement and this essay intends to ए मैं शुरू शुरू च लिखांदा हुंदा बाद च मैं चेंज करा दिंदा ठीक है जदों एडवांस हो जाते हैं ओहो एंड दिस essay intends to shed light हुण देखो मैं की क्या आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट मैं इस स्टेटमेंट नाल एग्री करता हाँ हुण इहदे विच आई मेरा सब्जेक्ट है एग्री की है मेरी वर्ब दी फॉर्म है ते आ मेरा ऑब्जेक्ट है ठीक है ध्यान नाल समझो इस कंसेप्ट नूं एंड दिस एसे आ हुण मेरा सब्जेक्ट है इंटेंड्स इंटेंडेड ते इंटेंडिंग ठीक है यानी कि मेरी वर्ब दी फॉर्म है तां एंड ने आपदे तो बाद भी पूरा सेंटेंस लिया है पहला भी पूरा सेंटेंस लिया है ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੌਮਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕੌਮਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕੌਮਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਆਹ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
आ चीज जड़ी आ मैं नहीं लावांगा, इन मैं नवा सेंटेंस बना देना, इतने कॉमा रहन देने आप। क्योंकि आई एग्री विद द स्टेटमेंट, मान के चलो जे मैं आ कॉमा नहीं लांदा तो मैं की करांगा एंड, हुण इत्थे इंटेंड की जगह इंटेंड्स की जगह एस आ जाएगा क्योंकि आई जिहड़ा आपदे नाल वर्ब की फॉर्म एस वाली नहीं लैंदा। हुण देखो किवें, हुण जिवें आ क्या ना आपां अंकुश कंबोज लाइक्स क्रिकेट, सॉरी आ वाला नहीं आ वाला, क्रिकेट्स एंड फुटबॉल, इको बंदा दो चीजा पसंद कर रहा, वर्ब की फॉर्म चल रही है, ठीक है। इत्थे देखो की है कि मैं ही हाँ जिहड़ा एग्री कर रहा इस स्टेटमेंट के नाल, ते मैं ही हाँ जिहड़ा अगले पैराग्राफ्स दे विच मेरे व्यूज के उपर चानना पावांगा। ध्यान समझो एक बार फिर इस चीज को, इतने एक सेंटेंस और बना दिना मैं, इतने देखो आप नाउन अलग किए, ठीक है, मैं इतने वर्ब अलग करना, अंकुश कंबोज लाइक एंड प्लेस, ठीक है, इस चीज को समझो पंजाबी दे वर्ड ने तां तक, ठीक है, ओके। अंकुश कंबोज लाइक्स एक वर्ब होगी, प्लेज दूजी वर्ब होगी, काम की कर रहा है क्रिकेट, ठीक है। हुण इत्थे मैं की किया आ आई, आई मतलब मान के चलो अंकुश है, ठीक है, आ एंड तो पहला पहला वाला जिहड़ा पार्ट है ये की है लाइक्स है सारा, ठीक है। हुण एंड तो बाद वाला जिहड़ा पार्ट है ये की है, ये हैगा प्लेज, ठीक है। उस तो बाद जिहड़ी गल है जिहड़ी गल करनी वो, ठीक है, मतलब कि सब्जेक्ट अपना एक ही है, आई मैं ही एग्री हाँ तो मैं ही चानना पावांगा, पर इत्थे की है इत्थे मैं एग्री हाँ ते चानना जेड़ा है वो ये ऐसे पावेगा, ये ऐसे जेड़ा हैगा इनू कहिंदे इंटेंट्स टू शेड लाइट, शेड लाइट मतलब रोशनी पाउणा, ठीक है। इत्थे एग्री मैं हो रहा ते जेड़ा ऐसे है ये मेरे आने वाले पॉइंट्स दे उपर चानना पाऊगा, इत्थे की है मैं एग्री हो रहा स्टेटमेंट दे विच ते मैं ही आने वाले मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज दे विच चानना पावांगा। क्लीयर हुई गल, इंटरेस्टिंग सी ना, ज्यादा बैटर केड़ा है, दोवे बड़े वधिया ने, बस ध्यान किस चीज का रखना है भी जे तुसी इनू एवें बनाना है तो फिर कौमा नहीं जे लाना, जे एवें बनाना मतलब बैटर इहदे च इही है भी तुसी इनू सही लिख जाओ। महक बैटर तुसी सवाल पूछे ना, ये बैटर उही है भी जिहड़ा तुसी बिल्कुल एक्यूरेट लिख दो, ठीक है ना। ता ए, ए एक वधिया चीज है जे थानू समझ आ गई एंड दी एग्जांपल। क्लियर बच्चा पार्टी, ओके जी, ओके। उस तो बाद अपने को ले आ गया जी पैसिव वॉइस, ठीक है। हुण पैसिव वॉइस की है जी, एक तो पैसिव इहदी थोड़ा एडवांस चीज कराउंदा अज पैसिव वॉइस की किवें, एक तो हो गया जी जिवें मैं कह दिता कि इत्थों आपां सेंटेंस चक लैंदे आ कि आपां सेंटेंस चक लै अंकुश कंबोज लाइक्स क्रिकेट, ठीक है, इत्थे फुल स्टॉप कर दो। कंप्लीट सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस है, मतलब अंकुश पसंद करता है, ठीक है। एक सेंटेंस मैं बनाया क्रिकेट इज लाइक बाय, ठीक है। गल उही है, अंकुश क्रिकेट पसंद करता है, क्रिकेट अंकुश द्वारा पसंद की जाती है, ठीक है। हुण मैं चक के लिया एक सेंटेंस थोड़े वास्ते वड्डा, रनिंग सेंटेंस दे विच पैसिव किवें लाउणा है, चलदे सेंटेंस दे विच पैसिव किवें लाउणा है। दिस इज बिकॉज़ हमने अ गुड इनोवेशन विद द एक सेंटेंस एक दा होर दे दे, मैंने ओल्ड मटेरियल स्पेशली
eventually is was brought to landfill. दूजा सेंटेंस आ चीजा नहीं जे करानियां किसी ने किसी तो कराइयां जांदी है नहीं मत्थे नहीं वाजदा in order to comprise it it is burned due to which okay so due to which that we use देखो इथे ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਨਾ ਸੌ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਬਣ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੈਰਡ ਚੱਕਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੋਇੰਗ ਅ ਲੈਵਿਸ਼ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੈਰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੈਰਡ ਪਲੱਸ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਪੈਸਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੀਪਲ ਸ਼ੋ लेविश लाइफस्टाइल ठीक है पर मैं यार राइटिंग दिखाउणी चाहुंदा एग्जामिनर नु सत बैंड वाली आपा आही टास्क उस दिन लाइव चेक कीता सी ना साइट ते बाकी आपा नु 7 बैंड मिले सी 8.5 मिले सी टास्क रिस्पांस दे विचों ठीक है हुण देखो की कह रहे ने के शोइंग अ लेविश लाइफस्टाइल एक अमीरी वाला लाइफस्टाइल दिखाना दिखाया इज डन बाय हैविंग द लेटेस्ट प्रोडक्ट बाय मासेस ठीक है के अमीरी वाला लाइफस्टाइल दिखाया जाता है कि साढ़े कोले भाई लेटेस्ट प्रोडक्ट हैगे ने ठीक है उस तो बाद आपा क्या इट इवेंचुअली इज ब्रॉट टू लैंडफिल स्टेशन ठीक है इत्थे आपा गल कर रहे सी कि मैं थोड़ा जिहा तुहानू फैमिलियर कर दिया कि जदों लोग की है कि चीजा वरत के सुट दिंदे ने आखिरकार इट इवेंचुअली हुण लिखण नूं इस सेंटेंस नूं मैं इदां भी लिख सकदा सीगा इवेंचुअली पाके इत्थे मैं लाउंदा कॉमा कनेक्टर नूं बाहर कर लैंदा इवेंचुअली आखिरकार इट इज ब्रॉट टू लैंडफिल स्टेशन पर मैं रनिंग च बनाया आखिरकार ब्रॉट मतलब ब्रिंग दी थर्ड फॉर्म लगी हुई है ब्रिंग लैके आना ब्रॉट एक खरीदने वाला ब्रॉट नहीं हैगा अबाउट हुंदा ठीक है तां इट इवेंचुअली इज ब्रॉट टू लैंडफिल स्टेशन आखिरकार लैंडफिल स्टेशन पे लियांदा जांदा कूड़ा करकट आखिरकार ए लैंडफिल स्टेशन पे लियांदा जांदा है ता ए अपने की ने पैसिव ने चलदे सेंटेंस दे विच पैसिव सर जदों जेरंड सेंटेंस बनाउने आ वर्ब तो स्टार्ट करांगे ऑलवेज ए अंजलि थोड़ा जड़ा सवाल है ठीक है इनु तुसी जेरंड ता ही हुंदा है पर इथे वर्ब दी फॉर्म नहीं हुंदी ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਾਊਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਚਲੇਗੀ ਇਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਨਾਲ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਇਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਟ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਰਡ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗਾ वेस्ट मटीरियल इवेंचुअली इज ब्राउट टू लैंडफिल स्टेशन ठीक है कि जड़ा वेस्ट मटीरियल होता आखिरकार उन्हें लैंडफिल स्टेशन पर लिया जाता हूँ इतने एक चीज बड़े ही ध्यान में सुनो पैसिव हमेशा उस चीज का बनता है जिहड़ी चीज अपने आप तो नहीं हो सकती ठीक है किवें हुण देखो आपां कहीए कि कूड़ा आपे तुरिया मैं कूड़ा सट दिता आपदे घरे ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੀ ਕੂੜਿਆ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਕਿਸੇ ਡਸਟਬਿਨ ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਕਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਲੈਵਿਸ਼ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਅਮੀਰੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾ ਪਿੰਡ ਚ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਘੈਂਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੰਥ ਹੈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਡ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਮੰਥ ਹੈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਡ ਹੁਣ ਮੰਥ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾ ਮੈਂ ਹਾਲੇ
ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ 31 ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਉਹ ਰਨਿੰਗ ਸਰਕਲ ਹੈ ਕੋ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਮਤਲਬ ਚੁਸਤ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੈਸਿਵ ਮਤਲਬ ਸੁਸਤ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੈਸਿਵ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਸਟਾਪਡ ਬਾਈ ਮੀ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿਣਗੇ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਗ੍ਰਮੈਟੀਕਲੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸੈਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਰਥ ਰਿਵੋਲਵਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਨ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਰਿਵੋਲਵਡ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਨ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੈਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੀਚਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਿੱਗਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਜੱਜ ਜੇ ਉਹਦੇ 8-10 ਲੈਕਚਰ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਦੇਖਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7-8 ਬੈਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਡਿਊ ਟੂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ ਇਟ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੋਤਲਾਂ ਕੋਈ ਬੈਗ ਕੋਈ ਟੋਕਰੀਆਂ ਕੁਛ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਕਿੱਲਾ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਿਆ ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵਿਦ ਦੀ ਵਿਊ ਟੂ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਟ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਵਿਦ ਦੀ ਵਿਊ ਟੂ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਰਨਟ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਰਨਸ ਗਲਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਰਨਟ ਡਿਊ ਟੂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅ ਮੈਸਿਵ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਅਨਬੀਅਰੇਬਲ ਫਿਊਮਸ ਅਕਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਓਕੇ 100% ਹੋ ਗਈ ਕਲੀਅਰ ਅੰਜਲੀ ਸੋਨੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬੋਲੋ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਇੰਗ ਏ ਲੇਵਿਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੀਪਲ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਡਨ ਬਾਏ ਪੀਪਲ ਬਾਏ ਹੈਵਿੰਗ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਉੱਧਾ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਓਕੇ ਪੀਪਲ ਆਰ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਰ ਲੋਕ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੋਇੰਗ ਅ ਲੈਵਿਸ਼ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਏ ਹੈਵਿੰਗ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ED ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਏ ਹੈਵਿੰਗ ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੈਦਰ ਵਹੀਕਲਸ ਔਰ ਗੈਜਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਆਇਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਐਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈਵਿਸ਼ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਏ ਹੈਵਿੰਗ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ
ठीक है, अपना टास्क की है कि लोग केड़े लोग जड़े ने थ्रो अवे सोसाइटी दे विच जी रहे ने, चीज खरीदी वरती सिट दिती, खरीदी वरती सिट दिती, तो वो चीज की आप गल कर रही थी। हुण तुहानूं क्लीयर होया? ते क्वेश्चन टेंस दे विच सर दो बार बाय यूज हो सकदा, डिपेंड करदा, हो भी सकदा, मतलब एक बारी मैं बाय देखो, एक बारी देखो बाय दे भी कई मतलब ने, एक बाय दा मतलब हुंदा दुबारा, एक बाय दा मतलब हुंदा तक, ठीक है, एक बाय दा मतलब हुंदा है लाइक जड़ा अपनी जैरन दे नाल ही यूज हुंदा, जिवें आ यूज कीता है, ठीक है, इहदा ओवें पंजाबी च कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पर ए आई एन जी दी फॉर्म लगनी सी तां करके लिया, ठीक है। हुण जे मैं कह दिया आई विल रीच बाय 3 PM, तां मैं 3 बजे तक पहुंच जावांगा, ठीक है, इट इज डन बाय अंकुश, ए अंकुश द्वारा कीता गया है, इत्थे बाय दा मतलब द्वारा, उत्थे बाय दा मतलब तक, ठीक है, इत्थे बाय दा मतलब की है कि इज डन बाय हैविंग, दे होण दे करके, इदां दा मतलब है इहदा, ठीक है सर। हाँ जी, ये चीजा आ जाएगी समझ, कोई चक्कर नहीं, हले थोड़ा दो चार दिन ही हुए ने सर। जेड़ा विद नाल सेंटेंस शुरू होंदा वो केड़ा होंदा? वो पार्टिसिपल होंदा है, उदे विच जिवें मैं कह दिया कि विद दी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, विद दी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हुण अगली गल दसेगी भी ये किस चीज के उत्ते निर्भर कर रहा है ये सेंटेंस, ठीक है। तो विद दी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी people are getting abundant knowledge, advancement hon de naal, advanced technology de vich advancement hon de naal log badi knowledge get kar rahe ne, theek hai, ta oh cheez ho jandi hai with de naal, idda start ho janda oh jivein apa being wala kariya si, participle part, theek hai, aa gi samajh, par jadon aap kari da odo confuse ho jandi ha। आजूगा नवदीप, कोई गल नहीं, ठीक है, ओके, चलो अगे चलते हैं जी। हैज बीन, हैड बीन ते हैव बीन कदों यूज होता है? ओके, आ मैं आपा हुणे गल कर रहे सीगे, मन के चलो मैं लिखिया मंथ हैज कंप्लीटेड, महीना खत्म हो गया, हुण महीना अपने आप होया, मैं नहीं कीता, ठीक है, तो जे मैं कहना होवे योर मंथ हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी, ठीक है, तुहाडा महीना मेरे द्वारा खत्म कर दिता जा चुका है। एग्जाम्पल देखो, मान के चलो वैसे महीना 1 तरीक तो स्टार्ट होंदा, 30 या 31 नूं खत्म होंदा, हुण मेरे को किसी बच्चे ने एडमिशन 21 तरीक नूं लई, उहदा महीना 21 तो स्टार्ट होया 21 मार्च तो, फॉर एग्जाम्पल, तां उहदा 21 अप्रैल नूं खत्म होना है, ठीक है, तां मैं उहनूं मैसेज की पावांगा योर मंथ हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी, ते जे मैं उहनूं सिंपल लिख रहा योर मंथ हैज कंप्लीटेड मतलब तुहाडा महीना पूरा हो गया। हुण देखो इत्थे कि हैज बीन कदों लग्या, जदों मेरा पैसिव बणिया, पैसिव दे विच लगदा has been ते have been, had been लगदा पैसिव दे विच जदों पास्ट दे विच टेंस हुंदा है, समझो इस चीज नूं, ठीक है। हुण दूजा कित्थे लग जांदा, आपां टास्क वन करदे हुंदे आ जिद्दां, ठीक है, आपां लिखिया कि दी ओके हॉस्पिटल, मैप करदे हुंदे ना, हॉस्पिटल हैज बीन replaced with a school। हुण देखो जेड़ा हॉस्पिटल है has been replaced with a school, उन्हों स्कूल दे नाल replace कर दिता जा चुकिया है, ठीक है, क्यों इदा लिखिया, क्योंकि हॉस्पिटल आपे अपने आप तो उठ के हो नहीं जाना भी चल ओए स्कूल पढ़ाओ मैं आना तेरी जगह पे, ठीक है, जिहड़ियां दुनियावी चीजां ने जिहड़ियां नॉन लिविंग थिंग्स ने उन्हां दे पैसिव बनदे ने, ठीक है, जिवें आपां उपर करके आए इट इज बर्नड, ए पैसिव सीगा, हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन, ए सारे पैसिव ने, ते जे ए सेंटेंस पास्ट दे विच हुंदा तां ए सेंटेंस इदां बन जाणा सीगा हॉस्पिटल हैड बीन रिप्लेस्ड विद अ स्कूल, हॉस्पिटल जिहड़ा स्कूल नाल रिप्लेस कर दित्ता गया,
जो सर कोई चीज अपने द्वारा की जाती उदो लगना। हाँ जी उदा ही ठीक है। हुण गल की इन समझो जस्ट की है, मन के चलो इन सीख का तरीका वेखो। ये सेंटेंस है हुण जिहड़ा मैप है उहदे विच आपां कुछ इदां तां लिख नहीं सकते। आपां पैसिव सेंटेंस बाय दे नाल सीखे हुए ने भी बाय दे नाल पैसिव बनता है। हॉस्पिटल हैड बीन रिप्लेस्ड विद अ स्कूल, फॉर एग्जाम्पल लिखो बाय। मन के चलो इत्थे आपां सारे जने बैठे हाँ ते इहदे विच आपणे कोले गगन बैठा, ठीक है। हुण गगन की है, गगन एक मिस्त्री है। फॉर एग्जाम्पल गगन एक मिस्त्री है, ये गगन सारा कुछ कर रहा है, ठीक है। नाम भी हमेशा पहला अक्षर वड्डा है। गगन सारा कुछ कर रहा है। आपां लिखिया हॉस्पिटल हैड बीन रिप्लेस्ड विद अ स्कूल बाय गगन, ठीक है। फैक्ट्री हैड बीन डिमोलिश्ड बाय गगन, सिंपल, ठीक है। हुण याद तुसीं की चीज रखनी है भी जेड़ा सेंटेंस तुसी बना रहे हो बस जेड़ा मगर एदा जिन्हें काम कीता ओदा नाम नहीं लिखना हुंदा मैप दे विच आपां, ठीक है। उनु सेंटेंस नु तुसी बस एथे ही मुका देना हुंदा। फैक्ट्री हैड बीन डिमोलिश्ड, बाकी जो ओदी लोकेशन आ तां ओह चीज नाल लिखनी है। फैक्ट्री हैड बीन डिमोलिश्ड तां की लिख दोगे, विच वाज situated in the south, for example, ठीक है। के फैक्ट्री हटा दिती गई, ढा दिती गई जेडी के साउथ दे विच सिचुएटेड हुंदी सीगी। हैड बीन हैव बीन, बस हैड बीन पास्ट दे विच ते हैज बीन प्रेजेंट दे विच, जे चीजां दो हो जाण हॉस्पिटल एंड बस स्टैंड। हुण हॉस्पिटल ते बस स्टैंड हो गया, पास्ट दे विच तां कल्ला हैड ही प्रधान है। हुण इत्थे हैज ला दित्ता मैं, हॉस्पिटल एंड बस स्टैंड हैज बीन रिप्लेस्ड विद द स्कूल बाय गगन। बाय गगन तां पहले ही कट दो, ठीक है। हुण तुसीं मैनूं दस्सो भी इह गलत है कि सही है सेंटेंस। पैसिव थ्री ही लगना, हाँ जी बिल्कुल। ये गलत है कि सही है जिहड़ा मैं आ सेंटेंस लिखिया? सही नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? देखो हुण हॉस्पिटल है एक, दूजा अपने कोले नाल एक चीज होर है। हॉस्पिटल किधर गया? अच्छा आ रहा, हॉस्पिटल एंड बस स्टैंड, तो यह दो चीजा ने, तो दो चीजा के नाल आपां हैज नहीं लाते, आपां हैव लाते हुंदे आ। आपा की मतलब इंग्लिश का रूल है, ठीक है। हॉस्पिटल एंड बस स्टैंड हैव बीन रिप्लेस्ड विद द स्कूल, दोवें स्कूल ने रिप्लेस कर दिते सीगे। तां हैव बीन जदों अगे एक तो ज्यादा चीजा ने उदों लगना, हैज बीन एक चीज नाल लगना, हैड चाहे एक चीज है चाहे दो चीज है सब नाल लगना। बस शर्त है भी ईयर जिहड़े ने अपने कोल पास्ट दे होणगे प्रेजेंट दे नहीं होणगे। क्लियर फंडा? ओके डन। अगे अपने को ले आ गया जी नॉट बिकॉज बट बिकॉज। हुण नॉट बिकॉज बट बिकॉज की है के ना के सिर्फ इस करके बल्कि सिर्फ इस करके। फर्क देखियो जिवें आपां सेंटेंस बनाया कोई के food lovers sometimes eat ice cream not because they are hungry but because समझो इस चीज कि जेडे फूड लवर होंगे ने, खाण पीण के शौकीन होंगे ने, कदे कदे आइसक्रीम खाते ने, ना कि इस करके कि वह भुखे ने भी उन्होंने भुख लगी है, बल्कि इस करके कि उन्होंने क्रेविंग हो रही है भी हाँ मिल जाए
रजे हुए ने कहते ढिड रजा अखा भुखिया वो चीज अव्याह च एवं होंगे हाय नी मेरी टिक्की तो रह गई खाने वाली जबकि मतलब रजे पे होंगे आप ठीक है ना तो ये वो चीज है नॉट बिकॉज बट बिकॉज ठीक है आई लाइक हर नॉट बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल बट बिकॉज ऑफ हर इंटेलिजेंसी मैं उन्हें पसंद करता इस करके नहीं क्यों सोनी है बल्कि इस करके क्यों इंटेलिजेंट है तो नॉट बिकॉज बट बिकॉज द यूज होता है इतना हैव हैड किदा यूज करने कल वाला लेक्चर देख लियो गगन तुसी ओ मैं कल करवा चुकिया मॉर्निंग ठीक है ओदी रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप च पाई है ओ देख लेना ठीक है ठीक है ओके अगे अपने को लास्ट स्ट्रक्चर है दी मोर इनू याद करने का सौखा तरीका की है कि जिन्ना गुड़ पाओ ओना मिठा जिन्ना गुड़ पाओ ओना मिठा इनू यूज किवें करोगे कि दी मोर जिन्ने मर्जी सेंटेंस बनाई जो दी मोर यू ईट मोर यू मतलब कि तुसी जिन्ना खाओगे जिन्ना खाने हो उन्ने ही मोटे होने हो ठीक है होर देख लो The more you study, the more you get score. कि जिन्ना पढ़ोगे उन्ना स्कोर मिलेगा सिंपल ठीक है instead of देख लो instead of giving focus on predictions you should focus on practice. प्रडिक्शन के उपर फोकस देन दी बजाए थानू चाहिदा है कि प्रैक्टिस ते फोकस करो गुरप्रीत भुल्लर नॉट बिकॉज वाला की कह रहे हो समझ नहीं आया अच्छा टास्क यूज करके दस्यो आ टास्क दी लाइन है जिहड़ी मैं लिखी है ना फूड लवर्स ये जदों थानू टास्क आ जाता ना लोग अबीज हो रहे ने मोटे हो रहे ने ठीक है तो ये ओदे च आ उत्थे यूज हो जाता है मेरे कहने का मतलब ये है कि तुसी इनू सीख लो थानू पता होना चाहिए जदों दिमाग दे विच विचार इदा दा आऊगा ना भी सरकार आ काम इस करके नहीं बल्कि इस करके कर दिया ने मल्लो मल्ली थोड़ा सेंटेंस बन जाना ठीक है ना आई होप लैक्चर सारा क्लीयर होना होया होना बींग दस्या सीगा कल तमन्ना सर प्लीज एक किस टाइप दी रीडिंग देखो जिसका लेवल सेम एग्जाम वाला हो हाँ मैं एक बुक बना रहा हाँ देखो जिदे विच मैं किणवे चणवे पैसेज पा रहा बट मैं लगेगा एक वीक हाले इस चीज़ करन दे विच बाद च थानू मैं दे दूंगा सिर्फ एडमिशन वाले बच्चों ही आप दया करांगे बस ये आप 45 रीडिंग्स पानी है ना ठीक है एक महीने का मटीरियल होगा आ सारी मैं बुक बना रहा पीडीएफ की ठीक है उन्हें थोड़ी जी सैट करनी नाल ही जिमें आज की रीडिंग खत्म हुई नाल ही पैसे आंसर हो गए ठीक है ताकि बहुत ज़्यादा थोड़ा फाइंड ना करना पे ठीक है तो ये लगभग जी बुक है अपने को उनंजा पेजा की बन चुकी है 100 पेजा की होगी ज्यादा वड्डी नहीं बनावांगे ठीक है मतलब जो तुसी प्रिंट भी कढ़ाने हो तो थोड़ा 100-125 रुपया ही लगेगा ठीक है ज्यादा वड्डी नहीं करांगे पर हाँ प्रेडिक्शन काफी अच्छी होगी
नहीं ओदे च कॉमा नहीं लगता सर, ठीक है। afterward the use दस दो जी, afterward the use थोनू जिस दिन मैं मैप या कुछ प्रोसेस कराऊंगा उस दिन दसूंगा, ठीक है। देखो मैं तो बहुत कुछ कर रहा थोड़े लिए, तुसी भी करो, ठीक है। बिल्कुल राइट प्रैक्टिस करो, ठीक है। कोई एवं प्रडिक्शन प्रोडक्शन मगर ना पिया करो, ठीक है। प्रडिक्शन कई बार बंदा पाकिस्तान का दिता पे होंगे, आप बस वो मगर पे रहे, प्रडिक्शन चो कुछ नहीं जो आता, ठीक है। एवं गल् होंगे ने, चलो ओके जी। इतने हम आप करेंगे क्लास में फिनिश, जी स्पीकिंग की क्लास है, जी स्पीकिंग लाइव होनी है थोड़ी ग्रुप के, वो अर्श लगेगी क्लास थोड़ी, तो मैसेज ड्रॉप कर दूगी किन्ने बजे क्लास है, तुसी उहदे लई अवेयर रहना, ठीक है। तो मैं थोड़ा ये चीज कंप्लीट करवानी सी, एक मैं थोड़ा होर पता नहीं की दसना सी भुल गया, चलो वह मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगा। तो इतने आप करते हैं क्लास में खत्म, तो अर्श थोड़ी स्पीकिंग की क्लास लगेगी, वो तुम सारे जने ज्वाइन करो, एक दूजे के आंसर सुनो, तो थोड़ा वो नवी जी अपन प्राइवेट स्ट्रक्चर ने वो भी करवाऊंगी, ठीक है। ओके जी, सारे बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।